यूपी के बांदा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ। इस दौरान भीड़ ने पथराव और आगजनी कर कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां चलाईं। आगजनी, पथराव और लाठीचार्ज, सड़क पर पुलिस पब्लिक में संग्राम। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हंगामा। ये तस्वीरें हैं यूपी के बांदा जिले की, जहां बीती रात अतर्रा कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ। प्रतिमा विसर्जन के दौरान कथित तौर पर एक पुलिस वाले के डंडे से एक प्रतिमा खंडित हो गई, जिससे लोग नाराज हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों पर भी पथराव किया। इस दौरान कई पुलिस वाले भी चोटिल हो गए। मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंच गए और इसके बाद पुलिस कर्मियों ने लोगों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। सड़क पर बाइक सवारों को पुलिस ने जहां देखा वहीं लाठियां बरसाना शुरू कर दी। घरों से निकाल निकाल कर लोगों को पीटना शुरू कर दिया। जो भी मिला उसे गाड़ी में डालकर थाने भिजवा दिया गया। मेरे बच्चे कोई नहीं है, पति मेरा मजदूरी करता है, अकेले चार बच्चों को पालता है पेट। तो क्या हुई, कौन ले गया उसको? मेरे पुलिस वाले मेरे पति को पकड़ ले गए। क्यों लेके पकड़ के? ऐसे वहाँ खाना बनाते थे, खाते थे। काफी देर तक पुलिस और पब्लिक के बीच चले हंगामे के बाद स्थिति पुलिस के नियंत्रण में आई। मौके पर खुद डीआईजी ज्ञानेश्वर तिवारी ने भी स्थिति का जायजा लिया। मूर्ति विसर्जन के दौरान काफी मूर्तियां निकल गई थी, कुछ मूर्तियां रह गई थी, उनको जल्दी ले जाने के उसमें किसी आरक्षी द्वारा उनको जल्दी किया गया। इस चक्कर में कुछ बवाल हुआ है और उसमें ये जो उपद्रवी तत्व हैं काफी संख्या में, उन्होंने पथराव किया है गलियों से निकल के। भीड़ के हंगामे की चपेट में पूर्व बीएसपी सांसद आर के पटेल भी आ गए। उनकी गाड़ी भी पथराव और हंगामे का शिकार बनी। मैं भी बांदा से आ रहा था और बांदा से आते समय मैं जैसे गांधी चौराहे पहुंचा तो वहां काफ़ी भीड़ भाड़ इकट्ठा थी और भीड़ भाड़ ने जो है मेरी गाड़ी के ऊपर भी ईंटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया। मैं गाड़ी सुतर करके उनको शांत कराने की कोशिश किया लेकिन वो माने नहीं। मैं बैक करा करके गाड़ी थाने आ गया हूँ और ये पूरी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द जो हमारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जा रही है। पूर्व सांसद को इस मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश नजर आ रही है, तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। अजय सिंह चौहान, बांदा, आज तक।